मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ इम्फाल में असेंबली के सामने। मणिपुर असेंबली मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। इसी पर कब्जे की जंग छिड़ी हुई है। जो चीज़ बहुत साफ दिखाई दे रही है कि हर तरफ प्रचार में भाजपा है, लेकिन जो लोग विरोध में भी हैं वह भी बहुत धीमे धीमे स्वर में बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे ढंग का खौफ तारी है। पिछले 5 सालों में, या यूँ कहें कि लंबा इतिहास मणिपुर का रहा है, जहाँ असहमति की आवाज़ दबाई जाती रही है। और आज हम चलेंगे उन इलाकों में, उन नौजवानों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से बात करने के लिए, जो मणिपुर के मुख्य मुद्दे क्या हैं, किस पर बात होनी चाहिए, किस पर बात नहीं हो रही, और भाजपा अपना क्या गेम प्लान चला रही है, इस पर खुलकर, या यूँ कहिए कि संकेतों में बात करेंगे। चुनावी समर में उतरा मणिपुर, और यहाँ का जो नौजवान है वह किस तरह से यहाँ के मुद्दों को देख रहा है, उसके सवाल क्या हैं। एक अलग ढंग का खौफ मणिपुर में है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है AFSPA, सशस्त्र बल कानून, जो यहाँ पर लागू है लंबे समय से, जो किसी को भी उठा लेता है। यहाँ के नौजवान खुलकर बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी कमेंट, कोई भी टिप्पणी सरकार के खिलाफ हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो जो सत्ता में है, तो उन्हें पुलिस कभी भी उठा कर ले जाती है। आइए जानते हैं नौजवान क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ मणिपुर से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से। न्यूज क्लिक की तरफ से इस समय हम इम्फाल के चेराओ चिंग इलाके में हैं। यह एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ से पूरा का पूरा इम्फाल अपनी पूरी खूबसूरती के साथ दिखाई देता है, और यह बहुत ख़ास जगह है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर के जो शहीद हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय तक राजनीतिक खेमे ने और बाकी लोगों ने भुला दिया था, उन्हें दोबारा से याद करने का एक मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ मूर्तियाँ हैं उन तमाम वीरों की, जिनके नाम हैं, और अज्ञात जो लोग हैं उनको भी याद किया जाता है, जिन्होंने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, फांसी का फंदा झेला, लेकिन लड़ाई साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों के खिलाफ जारी रखी। और यहाँ पर इस समय मैं बैठी हुई हूँ, मणिपुर के जो यूथ हैं, नौजवान हैं, उन्होंने जो कलेक्टिव बनाया है, उनके साथ जानने के लिए कि वे इन चुनावों को कैसे देख रहे हैं, उनके क्या मुद्दे और सवाल हैं आज के राजनीतिक दौर में। When I criticize the government will apply any they can threaten you and can arrest me under the laws. That is that the government. Yeah, that is the burden we have. That's why I'm scared, or I have frightened of the present government. I think the problem we are facing is the which we are seeing now is the symptoms of years of repression and suppression that we are facing, that we are put into by the Indian government. As a youth, besides APSPA and other draconian laws that have been put in practice, exercised in Manipur, there is a very symbolic form of repression going on in Manipur right now. There is a militarization of university, the Manipur University has been militarized by the Indian government, and right now there is Assam rifle camp right now in the heart of the Manipur University campus, and that's why maybe the youths of Manipur are difficult to express their opinions fully and exercise their freedom of speech and expression. हाँ, ये मेरा पहला इलेक्शन होगा। तभी एज ए यूथ कि वी ऑल नो दैट, हम लोग पता है कि
ये रूलिंग गवर्नमेंट है ना, उसने जो प्रॉमिस बहुत किया है इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत डालता है, पर मुझे नहीं लगता कि जैसे कि वो उसने जैसे हमको वचन देता है, जैसे प्रॉमिस करता है, आई डोंट थिंक कि उसने काम में करता है, नहीं मुझे नहीं पता। फॉर नोटा द क्वेश्चन इज दैट इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट हैज अ रूलिंग दैट नोटा हैज नो यूज एज ऑफ नाउ, सो what will be what it will come when we ever say vote to nota, say for instance when we choose nota, more than 50% of our voters choose nota in a particular assembly constituency, that is of no use as of now. Therefore I would like to suggest that and for me individually I would choose the best among the worst and not nota, because it's of no use as of now. बहुत ही दिलचस्प है मणिपुर में, इम्फाल में और आसपास के इलाकों में कि महिलाएं हों या नौजवान, कोई भी अपना राजनीतिक वरीयता प्रेफरेंस खुल के नहीं बोलते। सारे मुद्दे पे बात होती है लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल चॉइस की बात आती है वहाँ पर बहुत दिलचस्प हंसी और बहुत दिलचस्प चुप्पी छा जाती है। और इससे पता चलता है कि मणिपुर की जो राजनीतिक घटनाक्रम है वहाँ पर दबाव की राजनीति और वहाँ पर जो धनबल की राजनीति है वह कितना सिर चढ़कर बोल रही है। I'm already a UN member, and being a social worker, they discriminate me so much. That's why I stood up like this. Being as a female gender, how they discriminate, how they harass, how they kill my family. What's your name? Mary Naulak. I'm from Paiti. Yeah. How many of my people are being killed just in the name of, for the sake of integrity? It's all bullshit going on around. That's why I got angry. Then I started up this. Yeah, contesting. Huh? Then you started this fight. Yeah, this fight. I want some. Everything should be fair in Manipur. If it's still India, that's what I'm saying. As a social worker, as a discriminated person, being a female gender, how they harass me. That's why without money, I'm struggling and fighting for my rights. So that the citizens can be upgraded and get more knowledge and awareness about their rights also. इस समय हम खड़े हैं इम्फाल में मतदान केंद्र में। मतदान केंद्र बहुत साफ कहानी कह रहे हैं पॉलिटिकल फाइट की। जिस तरह से भाजपा के पास संसाधन है, जिस तरह से उनके पास लोग हैं, धनबल है, वह साफ दिखाई दे रहा है। और ठीक इसी समय यहाँ पर यह याद दिलाना ज़रूरी है कि जिस तरह से जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो सीधे सीधे ड्रग माफिया से जुड़े हुए समूह हैं, उन्होंने ऐन मतदान से पहले भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपील नहीं, तकरीबन धमकाते हुए कहा कि जो लोग वोट नहीं करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उससे बहुत साफ हो गया कि किस तरफ से, किस तरह मणिपुर की पूरी राजनीति को ले जाया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है और उसके मुद्दे क्या हैं। Yeah, I've been in this human rights issue for the last 20 years, been working, and right now I work with Human Rights Defenders Alert, which is based in Madurai with Henry Defense Group, and I'm looking after all the human rights issues across Northeast India, and most particularly violence against the journalists and lawmakers and as well as human rights activists. But Imphal mein ye present issues, one of the major issues mein abhi water ka problem hai, ek fundamental human survival ka hai. And the problem is that every election manifesto, whether it's Congress, BJP or any political party, ye mention nahi kar raha hai. इसका चक्कर है अभी राइट नाउ इस ये अभी तो ये इलेक्शन का बहुत
क्राइसिस है. ये अभी ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा के अभी ये स्ट्रॉन्ग है. ये इसका बारे में बहुत न्यूज़ है. बट मगर ग्राउंड तो है, ये अलग स्टोरी है. ग्राउंड तो है अभी डिफरेंट पार्टीज, सेंट्रल पार्टीज, फॉर इंस्टेंस ये जनता दल और एनपीपी द रीजनल पार्टी एंड आर काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द नंबर ऑफ द आई मीन इट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन मणिपुर अभी. बट इसका पॉलिटिकल पार्टीज अभी स्ट्रॉन्ग है. मणिपुर की राजनीति में मामला ड्रग्स का हो, मामला पानी की सप्लाई का हो, या फिर AFSPA को हटाने का हो, या यहाँ पर नौकरी और विकास का हो, ये जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर लोग अपनी बातें रखना चाहते हैं, जो नौजवान बहुत गुस्से में हैं कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल उन्हें ठग रहे हैं, जो बोलते हैं वे करते नहीं, वे दिखा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो मतदाता है वह अच्छे विकल्प की तलाश में है. वह चाहता है कि लोकतंत्र का प्रयोग हो. लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मणिपुर में जो खौफ का माहौल तारी है, जिस तरह से लोगों को डर लगता है सच बोलने में, लगता है कि अगर कोई आलोचना की सरकार की और वह सरकार दोबारा आ गई, खास तौर से भाजपा के प्रति बोलने में, तमाम लोग बहुत हिचकिचा रहे हैं. और जिस तरह से पैसे का खेल, बाहुबल का खेल, ड्रग माफिया का खेल भाजपा खेल रही है, उसमें ऐसा खौफ बहुत जायज लगता है. सामु मथुन पेना खोम तादो बन तादे इखें हे काद्रिफाव मिशी मीना याव रिफाव न चुंगे थोशादे ऐ खोई गिलु चिंग मशिं न चुंगे थोशादे ऐ खोई गिलु चिंग मशिं कयाम कुई न लाओ किनी इखें ताकिनी कयाम कुई न लाओ किनी इखें ताकिनी हा हा है 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 तेरे लूचिंबा खंबा हा हा है 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 तेरे लूचिंबा